आप देखिए काशी देख लिया, कश्मीर देख लिया, आपने इंडिया देख लिया। लोग होते हैं जो डाइटिंग करते हैं ना, बाद में क्या 2 या 3 दिन के बाद ग्लूकोज लगवा रहे होते हैं। उनका कभी किसी आर्मी वाले को देखा है मैं डाइट पे हूँ? नहीं, वो क्या करते हैं एक्सरसाइज ज़्यादा होती है उनकी और उनकी जो डाइट है वो बैलेंस होती है, तो बिल्कुल फिट एंड लीन होते हैं। आप कभी पहाड़ी पे चढ़े हैं? जैसे पहाड़ी में चढ़ते हैं ना, सिर्फ वही समझ लीजिएगा माउंटेन क्लाइंबिंग होगी। अब तो बहुत से लोग क्या कहते हैं जो वेट है ना, वेट गिरता किससे है? डाइटिंग से। ये सबसे बड़ा वहम है और गलत फहमी है। डाइटिंग से किसी का वेट नहीं गिरता। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज द विक्की भारद्वाज। दोस्तों जैसे मैंने आपको एक वीडियो में दिखाए थे कि मैंने एक्सरसाइज करने के लिए क्या डंबल्स मंगवाए थे, और जबकि मेरा खुद का एक प्रोफेशनल जिम है, उसके बावजूद तो मैंने सिर्फ डंबल ही मंगवाए। वो मैंने डंबल इसलिए मंगवाए क्योंकि मुझे क्या वर्कआउट करना विद 2 डंबल्स ओनली, फुल बॉडी वर्कआउट है। तो मैं आज उसकी कुछ आपको झलकियाँ दिखाता हूँ कि मैं सिर्फ डंबल से पूरी बॉडी का वर्कआउट कैसे करता हूँ, क्योंकि जो मेरा वेट है ना वो 3 से 4 kg जो बढ़ चुका था, अब उसको कम करते हैं। क्योंकि पिछले दिनों में मैंने मिठाई वगैरह काफ़ी खाई थी, तो उसी वजह से मेरा वेट बढ़ गया था। अब उसको कम करने के लिए हमने क्या थोड़े से इंस्ट्रूमेंट मंगवाए थे, थोड़े से इक्विपमेंट मंगवाए थे, तो अब हम उससे क्या करेंगे, वेट को लूज़ करेंगे। तो मैं आपको कुछ झलकियाँ देता हूँ कि कैसे वेट को लूज़ करना है सिर्फ विद ओनली 2 डंबल्स। तो मैं पूरा बॉडी का वर्कआउट जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि सिर्फ डंबल्स के साथ कैसे करना। ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हम अपनी बॉडी के लिए नहीं कर सकते, ये डेफिनेटली कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, बॉडी में ऊपर ना स्ट्रेस डालने से पहले, यानी कि उसको पुश करने के लिए ना, सबसे पहले क्या करना पड़ता, वार्म अप करना पड़ता। तो बॉडी को वार्म अप और थोड़ा सा जो स्ट्रेचिंग जरूर कर लिए, ताकि जो आपकी बॉडी में कोई कैच ना आ सके, ताकि जो बॉडी जो है ना पूरी तरह से क्या मूवमेंट कर सके और आपको क्या पूरी तरह से पुश दे सके। तो सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप। तो वार्म अप के लिए मैं 2-3 एक्सरसाइज आपको बताऊंगा जो मैं खुद करता हूं पर्सनली। वैसे मैं कोई प्रोफेशनल कोच नहीं हूं, लेकिन ये है कि मैं कुछ डंबल लाया था, उसकी वजह से जो मैं एक्सरसाइज अपनी डेली लाइफ में जो सिर्फ एक बॉडी को फिट रखने के लिए। अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हैं बॉडी बिल्डिंग, तो बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है, बहुत सारे कोच हैं, तो वो सारी आप देख सकते हैं वीडियो। सिर्फ मैं ये है कि अपनी रूटीन में जो मैं करता हूँ ना, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो मैं रूटीन में फॉलो करता हूँ एक्सरसाइज। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्ट्रेचिंग। क्योंकि मैं भी ये जो एक्सरसाइज है ना, मैं यूट्यूब चैनल से ही देख के करता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई प्रोफेशनल कोच नहीं है। फिलहाल जो मेरे जिम में है वो तो है अलग, लेकिन मैं वहाँ जा नहीं पाता क्योंकि मेरा खुद का भी और काम है, तो मैं वहाँ जा नहीं पाता। मैं क्या करता हूँ, मैं यूट्यूब चैनल से ही ना कुछ एक्सरसाइज देखता हूँ, तो जो मैं अपने रूटीन में करता हूँ मैं वो आपको वो दिखा रहा हूँ कि मैं रूटीन में क्या करता हूँ। क्योंकि आप जानते हैं मेरा तो व्लॉगिंग चैनल है, तो व्लॉगिंग चैनल पे क्या मैं आपको अपनी रूटीन दिखाता हूँ। तो ये भी मेरी एक रूटीन है जो सुबह की रूटीन होती है एक्सरसाइज करना, तो मैं आपको वही एक दिखा रहा हूँ। वार्म अप में सबसे पहले हम करेंगे जंपिंग। तो जंपिंग में करूँगा 50 एप्स में जंपिंग करता हूँ, तो आप देखिए वो। जंपिंग में मैंने 50 रैप्स कर लिए हैं। इसके बाद जो है ना मैं स्ट्रेचिंग करता हूँ थोड़ी बहुत, जो आसपास जो बाजू की होती है ना, ये वाली आर्म्स की, तो ये मैं थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करता हूँ। तो बहुत से लोग क्या कहते हैं जो वेट है ना, वेट गिरता किससे है? डाइटिंग से। ये सबसे बड़ा वहम है और गलत फहमी है। डाइटिंग से किसी का वेट नहीं गिरता। तो डाइटिंग में क्या होता है, डाइटिंग में सिर्फ जो आपका ना जो स्किन है ना, कह सकते हैं कि चमड़ा, वो चर्बी जो है लटकती है। आप देखिए जितने लोग कार्ब्स बंद कर देते हैं, उनके ये पेट होता है ना जो, वो ऐसे चमड़ी उठाएंगे ऊपर, यहाँ से क्या ऊपर पेट उठा सकते हैं। तो ये सारा क्या डाइटिंग की वजह से होता है। पहले क्या करते हैं, सुबह सारा दिन खाना नहीं है, और फिर क्या करते हैं शाम को दबा के चाहे समोसे खाओ, चाहे कोल्ड ड्रिंक पियो। तो सबसे बड़ी जो मेरी नज़र में जो 2 दुश्मन है ना, वो पता क्या है, एक कोल्ड ड्रिंक और ऊपर से फास्ट फूड। ये 2 चीज़ें बंद करके हेल्दी खाइए, और चिकन खाओ, और कभी कभी ये हो गया आप चीट डे ले सकते हैं हाँ? लेकिन क्या आपको कार्ब्स बिल्कुल बंद नहीं करना। अगर बंद कर दोगे एक तो आपकी जो स्किन है ना इसकी सारी रंगत उड़ जाएगी, ऊपर से क्या हो जाएगा जो आपका चमड़ा ना ये लमकने लग पड़ेगा। तो बैलेंस डाइट लीजिए और एक्सरसाइज पे फोकस कीजिए। आप देखिए आर्मी वाले हैं जो उनको बैलेंस डाइट दी जाती है ना, क्या कभी किसी आर्मी वाले को देखा है मैं डाइट पे हूँ? नहीं, वो क्या करते हैं एक्सरसाइज ज़्यादा होती है उनकी और उनकी जो डाइट है वो बैलेंस होती है, तो बिल्कुल फिट एंड लीन होते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आप किसी भी कोच से जो क्या नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ आपकी बॉडी फिट रखने के लिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैंने वार्म अप कर लिया, अब मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ वन बाय वन जो मैं कर रहा हूँ। तो फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम शोल्डर के लिए। ये मेरे दो डंबल, ये आपको 12 रेप्स करने हैं कम से कम। जब ऊपर जाए तो तब आपको अंदर जो है सांस लेना, जब नीचे है तब सांस छोड़ना। ये हो गए मेरे 12 रेप्स। और बीच बीच में ना अगर आपको ना पानी का सिप लेना तो आप ले सकते हैं, लेकिन क्या ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं पीना। ज़्यादा मात्रा में अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप पानी पिएंगे ना तो आपको ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाएगी साथ ही साथ पेट में। ऐसे एक आधा सिप लेना ताकि आपका गला जो है ना ये सूखे नहीं। बस हर एक्सरसाइज के बीच में ना कम से कम 30 सेकेंड का जो है ना आप वो गैप रखिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम ये वाले पोर्शन के लिए। ये वाला पोर्शन है ना जो हमारा स्टमक से लेकर लोअर स्टमक से लेकर ये अपर आर्म तक, ये अपर शोल्डर तक सॉरी। तो इसमें करना क्या, ये डंबल है आप पहले नीचे जाएंगे, एक हाथ से ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर लेफ्ट हैंड से ऊपर उठाएंगे। ये देखिएगा पूरा, कम से कम 24 करने हैं, 5 6 जो एक आर्म्स के लिए 12 हो जाए। इससे ये वाला पोर्शन जो है ना आपका ये तो स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन जब आप नीचे जाएंगे ना तो ये जो आपके ना थाइज इसमें भी क्या प्रेशर आएगा, तो इसके भी जो थाइज के भी क्या मसल आपके बन जाएंगे। पानी मैं ज़्यादा ना ठंडा नहीं लेता, बिल्कुल जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी होता है ना वही पीता हूँ मैं, ज़्यादा ठंडा पानी नहीं मैं पीता। तो अगली एक्सरसाइज करेंगे हम ट्राइसेप्स के लिए। ट्राइसेप्स के लिए जो आपका आर्म्स का पीछे वाला मसल होता है ना इसको एक्टिवेट करने के लिए करते हैं। मुझे मैं पहले कह रहा हूँ मेरे को प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, लेकिन एक बॉडी को फिट रखने के लिए, क्योंकि अपना जिम है तो थोड़ा बहुत इतनी नॉलेज हो ही जाती है। मैं सिर्फ अपनी रूटीन शेयर कर रहा हूँ कि मैं ये करता हूँ। तो मैं ट्राइसेप को फिट रखने के लिए क्या करता हूँ, इसको करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये ट्राइसेप मसल को एक्टिवेट करने के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज करूँगा मैं चेस्ट के लिए। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे चेस्ट के लिए। इसको यहाँ पे होल्ड करना, नेक्स्ट एक्सरसाइज करूँगा मैं अपनी बैक के लिए। One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। जो लोग बोलते हैं ना वेट सिर्फ डाइटिंग से गिरता है या वेट जो बॉडी जो सिर्फ डाइटिंग से शेप में आते हैं, उनकी ये सबसे बड़ी गलत मेंटालिटी है। वेट जो है ना कभी भी डाइटिंग से नहीं गिरता। डाइटिंग से सिर्फ आपके मसल का वेट जो है ना वो ख़त्म होता, आपको लगता है मेरा वेट कम हो गया। देखिएगा मसल का जब वेट गिरता है ना आपको कमज़ोरी महसूस होने लगेगी। बहुत से लोग होते हैं जो डाइटिंग करते हैं ना, बाद में क्या 2 या 3 दिन के बाद ग्लूकोज लगवा रहे होते हैं, तो उनका कारण यही है। तो कभी भी डाइटिंग के ऊपर मत रहिए, हमेशा क्या करिए आप एक्सरसाइज कीजिए। फौजी भाइयों की तरह दबा के रगड़ा दबा के खाओ, खुद ब खुद बॉडी फिट रहेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज आर्म्स के लिए 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। लोग क्या करते हैं, लोग सिर्फ करते हैं 12 रेप्स, लेकिन मैं तब तक करता हूँ जब तक यहाँ पे स्ट्रेन ना आ जाए। मेरी ये नॉर्मली जो है 18 रेप्स तक यह स्ट्रेन आती है, तो इसलिए मैं 18 करता हूँ। अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हैं तो अपने कोच से पूछ के कीजिए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पता हमसे। मैं सिर्फ कह रहा हूँ, सिर्फ अपनी मैं एक ही बात कह रहा हूँ, सिर्फ अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए जो मैं करता हूँ रूटीन मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहा हूँ बस। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे ये वाला एरिया के लिए, यानी कि पेट के लिए, जिनकी चर्बी बढ़ चुकी है, जो बोल रहे हैं कि हमको पेट अंदर करना ना। आप कभी पहाड़ी पे चढ़े, जैसे पहाड़ी में चढ़ते हैं ना, सिर्फ वही समझ लीजिएगा माउंटेन क्लैम्पिंग होगी। अब माउंटेन क्लैम्पिंग करनी है हमको। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, तो माउंटेन क्लैम्पिंग के कितने करने हैं आपको? 50 रेप्स। थोड़ा पानी पी लेता हूँ पहले। आप इसके ज़्यादा रेप्स भी कर सकते हैं, अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेरी कैपेसिटी जो है ना वो भी 50 की भरी है। पहले 20 की थी, फिर 30 की हो गई, 40 की हो गई, अब 50 की हो गई है। तो आप भी जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है इसको बढ़ाते चलें। एक्सरसाइज करेंगे फिर एप्स के लिए, वो आपको दिखाता हूँ मैं क्या। उससे पहले मैं क्या 30 सेकेंड का क्या ब्रेक ले लेता हूँ। अब एप्स के लिए जो दोस्तों हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वो क्या करेंगे ये देखिएगा। सबसे पहले ऐसे ज़मीन पे बैठ जाना, आपकी बैक सीधी, बैक को जो है बिल्कुल सीधी रखनी है। जो अपने पंजे हैं ना इसको यहाँ पे टका लीजिएगा बस। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, तीन एक्सरसाइज बताऊंगा। पहली मैंने आपको बता दी, दूसरी बता दी, अब तीसरी जो मैं करता हूँ वो भी बताता हूँ। तीसरी में आपको क्या करना है, यहाँ तक जो है ना आपके ये जो घुटने हैं यहाँ तक इसको लेके आना, ठीक है। तो जब एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा ना, थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग जरूर कर लिया करो। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में कैच नहीं आएगा, जो हम पंजाबी बोलते हैं ना, नाड़ी के ऊपर नाड़ी चढ़ गई, वो नहीं चढ़ेगी। तो हल्की फुल्की क्या स्ट्रेचिंग जरूर कर लिया करो जाते वक्त। और जो लेग की एक्सरसाइज मैं करता हूँ ना, वो मैं आपको फिर किसी दिन बता दूँगा। तो ये मेरी आज की रूटीन थी, जो मेरी हर सुबह रूटीन होती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भाई नए चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद, जिन्होंने अभी तक नहीं किया लेकिन वीडियो देख जाते हैं चोरी चोरी, उनको भी रिक्वेस्ट है भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, तो वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। और हमारे जो आने वाला टूर आ रहा है वो देखने के लिए, जो कि हम बनारस टूर करने वाले हैं, आपको पूरा इंडिया का जो सबसे महत्वपूर्ण जगह बनारस, काशी विश्वनाथ, उसका 3 दिन का हमारा टूर होने वाला है। वो आपको पूरा का पूरा हम दिखाएंगे। आप देखिए, काशी देख लिया, कश्मीर देख लिया, आपने इंडिया देख लिया, तो हम क्या करेंगे, हम आपको वो दिखाने वाले हैं आने वाली वीडियो में। तो उन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज तक की वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।